الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين हर तरह की तारीफ हम्द सना बड़ाई और बुजुर्गी रब्बे ज़ुल जलाल के लिए लायक और ज़ेबा है, सज़ावार है, जिन्होंने हमें और आपको दुनिया में बसने वाली अनगिनत और बेशुमार मखलूकात को बिला शिरकत गैर आदम से वजूद में लाया और बेशुमार नेमतों से हमें और आपको नवाजा। मजहब इस्लाम जैसी अजीम तरीन दौलत से हमें और आपको मालामाल फरमाया। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों जुमला तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन सरवर गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, हाजरीन जुमा, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, आज के खुतबे जुमा में एक अहम और हसास तरीन मौजू है, दीन से दूरी असबाब और इलाज। खुतबे मसनूना के बाद एक आयत मैंने पढ़ी है, सूरह बकरा आयत नंबर 208। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के अंदर अहले ईमान से ख़िताब किया, या अय्युहल लज़ीन आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, पूरे तौर पर, आधा अधूरा नहीं, पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करना, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।
अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में हमें और आपको ये हुक्म दिया कि जो इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर हमें और आपको दिया है, इस इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, यानी इस्लाम के एक एक अहकामात पर, इस्लाम की एक एक तालीमात पर तुम अमल पैरा हो जाओ, इसी में कामयाबी है। और जब तुम इस्लाम पर चलोगे और इस्लाम पर पूरे तौर पर दाखिल होना चाहोगे तो शैतान तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेगा, कभी नहीं चाहेगा कि तुम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम में दाखिल होकर के जन्नत में चले जाओ और जहन्नम से बच जाओ, ये शैतान कभी नहीं चाहता है। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के हक में बहुत बड़ा खैरख्वाह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये आगाह किया है खैरख्वाही के पेश नज़र कि मेरे बंदो, शैतान तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए शैतान से बच के रहना और पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करना, इसी में कामयाबी। आज जब समाज का जायजा लिया जाता है, माशरे में लोगों का जायजा लिया जाता है, तो समाज के अंदर, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बेशुमार बुराइयां हमें और आपको नजर आ रही। आज जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है जो मुस्लिम समाज में नहीं पाए जाते हो, कोई ऐसी खराबी नहीं है जो मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम समाज में नहीं पाए जाते हो। हर तरह की बुराई, सूद है, चोरी है, जिना है, रिश्वत है, साइबर क्राइम है, फजूल खर्ची है, बेशुमार चीजें और बेशुमार बुराइयां हमारी और आपकी नजरों के सामने हैं। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन जब पूरी गहराई से जब नजर डाली जाती है तो ये बात सामने खुल करके आती है और ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि ज्यादातर लोग दीन से दूर हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका ताल्लुक दीन से है, बहुत कम लोग हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम और इस्लामी तालीमात से है, बहुत कम लोग हैं जिनका ताल्लुक शरीयत से है, कुरान और हदीस से है। ज्यादातर मुसलमान और मुसलमानों की तादाद दीन से दूरी है, दीन से उनको कोई मतलब नहीं, शरीयत से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, हदीस से कोई मतलब नहीं। मुसलमान नाम जरूर है, मुसलमान के घराने में पैदा जरूर हुआ है, खानदानी मुसलमान जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर सारी के सारी बुराइयां पाई जाती हैं। वजह क्या है? दीन से दूरी। इसीलिए मैंने आज का मौजू रखा है दीन से दूरी, असबाब क्या है, इलाज क्या है। आइए सबसे पहले दीन से दूरी के जो असबाब हैं उन असबाब पर गौर करते हैं कि आज मुसलमानों की जो अक्सरियत है, अक्सर मुसलमान जो दीन से दूर हैं और दीन से दूरी अख्तियार जो किए हुए हैं, आखिर क्यों है, वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है, क्यों इतने लोग दीन से दूर हैं, क्यों नहीं मस्जिद से उनका ताल्लुक है, क्यों नहीं अल्लाह की शरीयत से उनका ताल्लुक है, क्यों नहीं कुरान हदीस से ताल्लुक है।
पहली वजह और बुनियादी वजह यह है कि उम्मत का उलमाए हक से दूर रहना। ज़्यादातर लोग जो हैं मुसलमानों में वो उलमा से बिल्कुल दूरी इख्तियार किए हुए हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका ताल्लुक उलमा से है, उलमाए हक से है, दीनदार लोगों से है। ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो है वो उलमा से नहीं है, अपने मतलब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मंशा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो मन में आता है करते हैं, जो मन में आता है नहीं करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनका ताल्लुक उलमा से होता है, उलमाए हक से होता है, वो अल्लाह से डरते हैं, बात बात पर उलमा से सवाल करते हैं, पूछते हैं और पूछ करके अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं और इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ही लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो समाज के अंदर हैं, माशरे के अंदर हैं, उनका ताल्लुक उलमा से नहीं। ये सबसे बुनियादी वजह है। उलमा से मुराद ये उलमाए हक है जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म हो, जिसके पास मनहजे सलफ हो, सलफ सालिहीन के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता हो, इल्म सीखा हो और दूसरों को इल्म देता भी हो, इल्म बांटता भी हो, मसले बताता भी हो। ऐसे उलमा, इसे उलमाए हक कहा जाता है। तो उलमा से रब्त बहुत जरूरी है। ज्यादातर आज कल के लोग जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दीवाने हैं, फेसबुक के दीवाने हैं। कुछ बातें व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में और फेसबुक में आते हैं, उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं। ये कुरान है, ये हदीस है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, किसका ग्रुप है, कौन सा आलिम है, कहने वाला कौन है, उसे कुछ नहीं पता। अच्छा लगा, अमल कर लिया। ये गुमराही का बहुत बड़ा सबब है, ये दीन से दूरी का बहुत बड़ा सबब है। लेकिन जो बाशऊर लोग होते हैं, जिनका ताल्लुक दीन से होता है, जिनका ताल्लुक शरीयत से होता है, फौरन उस चीज के बारे में पूछते हैं अहले इल्म से। अल्लाह ने कहा फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तहकीक कर लो, जानने वाले से पूछो, पूछो उनसे, सवाल करो उनसे। हमारे आज माशरे के अंदर, समाज के अंदर कितने नौजवान हैं जो अलग अलग तहरीक से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तंजीम से जुड़े हुए हैं। उसे पता ही नहीं कि इस तंजीम का बानी कौन है, उसे नहीं पता कि इस तहरीक का बानी कौन है, लेकिन अमल कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है, उलमा से बिल्कुल कतई ताल्लुक अख्तियार किया हुआ है, खुद ब खुद अपने आप को मुफ्ती साबित करने में लगा हुआ है, खुद ब खुद अपने आप को अहले इल्म साबित करने में लगा हुआ है और लोगों को और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मैंने लॉकडाउन के मौके पर देखा, जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ी जा रही थी और हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा ये फतवा दे चुके थे और ये इज्तिहाद का मसला जो उनके सामने आया था, इज्तिहाद करते हुए इस मसले के ऊपर बड़े बड़े उलमा ने गौरव फिक्र करके ये फतवा दिया था और इस फतवे का ऐलान कर दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं है, बेशुमार दलाइल की रोशनी में उन्होंने ये फतवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत सारे नौजवानों ने और बहुत सारे लोगों ने इससे बगावत किया और ऐसी उलमा को लानतान किया और सलफ सालेहीन के मनहज के खिलाफ उन्होंने अमल किया और अपना एक ग्रुप बना करके फतवाबाजी समाज के अंदर, माशरे के अंदर करने का काम किया और माशरे के अंदर एक फितना फैलाया। मैंने कई लोगों से पूछा कि आपको मसला किसने बताया और इन उलमा से बगावत करने का हुक्म आपको किसने दिया, तो बाय नेम उन्होंने बताया कि फला साहब ने मुझे ये मसला बताया, फला साहब ने इसलिए मचाया। आप कौन होते हो किसी मसले के बारे में बात रखना और किसी मसले का इस्तेमाल करना और किसी मसले पर इज्तिहाद करना? ये उलमा का काम है, ये अहले इल्म का काम है, ये किबार उलमा का काम है, ये बड़े उलमा का काम है, ये जो है बड़े बड़े अहले इल्म का काम है। आप कौन होते हैं फतवा देने वाले? आप कौन होते हैं मसला मुस्तम्बत करने वाले? आप कौन होते हैं हदीस सामने रख करके और उसके बाद ग्रुप बंदी करके फितना फैलाने वाले? ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा फितना है। अगर बड़े उलमा
सलफ़ी उलमा जिनका ताल्लुक उलमाए सलफ़ से है, अगर किसी मसले का ऐलान कर दिए हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तेमाल कर दिए हैं और इश्तिहाद की रोशनी में उस मसले को आम कर दिए हैं, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस मसले पर अमल करें और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना करें, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना करें, खुरूज ना करें। यह एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। उलमा से दूरी ये दीन से दूरी का एक बहुत बड़ा सबब है और बहुत बड़ा फितना पैदा होता है। तो ये एक बुनियादी वजह है। उलमा क्या समझते हैं आप? वो उलमाए हक जिनकी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान किया है, जिनकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन अबी दाऊद और सुनन तिर्मिज़ी के हवाले से कि उलमा जो होते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस होते हैं। अब अंबिया आने वाले नहीं हैं, अंबिया का एक सिलसिला था, अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब अंबिया के जो वारिस हैं यानी उनके इल्म के जो वारिस हैं वो दीनार और दिरहम छोड़ करके नहीं जाते, वो इल्म छोड़ करके जाते हैं। अब उनके वारिस उलमा है, उलमाए हक है। अब यही उलमाए हक हमें मसला बताएंगे, यही उलमाए हक मसले का इस्तेमाल करेंगे, यही उलमाए हक हमारी और आपकी रहनुमाई करेंगे, यही उलमाए हक हमें और आपको दीन बताएंगे, यही उलमाए हक हमें आपको दीन और शरीयत बताएंगे। हमें उलमाए हक की पैरवी करनी, वो उलमाए हक जिनका ताल्लुक कुरान और हदीस से है, जिनका ताल्लुक सलफ सालहीन से है, वो उलमाए हक जिनके बारे में अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस हैं। और ऐसे उलमा के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा फसअलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो इन उलमा से, इन अहले इल्म से, अहले जिक्र से तुम सवाल करो और उनसे पूछो और पूछ करके मसला मालूम करो और उस पर अमल करो। दूसरी चीज है माशरे के अंदर दीन से दूरी का जो सबब है वो जहालत है। जहालत ये दीन से दूरी का एक बहुत बड़ा सबब है। इल्म वाले जो होते हैं, जिनके पास इल्म होता है कुरान और हदीस का इल्म, ये अल्लाह से डरने वाले होते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 कुल हल यस्तवी الذين يعلمون والذين لا يعلمون, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले यानी इल्म वाले और जाहिल लोग ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले का मकाम बहुत ऊंचा है और जिसके पास इल्म नहीं है वो दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जहालत इतनी है कि वो इल्म हासिल करना नहीं चाहते और जहालत की वजह से आज समाज और माशरे में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं कहता हूं कि मुसलमानों से, अक्सर मुसलमानों से पूछिए आप मुसलमान हो, कहेंगे बिल्कुल मुसलमान हूं। तौहीद किसको कहते हैं, मैं कहता हूं कि 99% लोग जो है नहीं बता पाएंगे कि तौहीद किसको कहते हैं। ये हाल है दीन से दूरी का। ज्यादातर लोग, अक्सर लोग नहीं जानते हैं तौहीद किसको कहते हैं। अपने आप को अहले हदीस जरूर कहते हैं लेकिन तौहीद का पता नहीं, अकीदे का पता नहीं। नमाज पूरी जिंदगी, जहालत देखिए पूरी जिंदगी एक आदमी की गुजर जाती है। नमाज की पूरी दुआ सुन लीजिए, वो पूरी दुआ दुआए सना से लेकर के सलाम फेरने तक और सलाम के बाद का अस्कार उसको नहीं पता है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। क्या जहालत नहीं, ये दीन से दूरी का सबब है। तहारत नहीं पता, पाकी नहीं पता। इससे पहले मैंने तहारत के ताल्लुक से खुतबा दिया था, मुझे लगता है कि दो जुमा गालिबन दिया था। कई लोगों ने फोन किया और कई लोग मेरे सामने आए और भावुक हो गए, रोने लगे, कहा मौलाना साहब जिंदगी मेरी गुजर गई, नहाने का तरीका मुझको नहीं पता था, गुसल करने का तरीका मुझको पता नहीं था, ऐसे ही गुसल कर रहा था। यह जहालत, अक्सर लोगों को गुसल का तरीका पता नहीं, तहारत का तरीका पता नहीं, कुरान पता नहीं, हदीस पता नहीं, सुन्नत पता नहीं, अक्सर चीजों से नवाजी। और जहालत, जब बात आई है जहालत की तो मैं बता दूं आपको, जहालत रांची में राइन बरादरी को आपने सुना होगा, इनके यहां
कुछ सालों पहले अब तक ये कानून चला आ रहा था, नियम चला आ रहा था कि राइन बिरादरी का आदमी लड़का दूसरे बिरादरी में शादी नहीं कर सकता। कुछ लोग तो हमारे पास आए कि मैं इस बिरादरी में रहना नहीं चाहता, मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को हिदायत दिया, कुछ लोग आए, अल्लाह ताला ने हिदायत दी और फिर इस नियम को बदला, और बदल करके उन्होंने इस नियम को लागू किया कि नहीं, शरीयत के अंदर ऐसा नहीं है, इसलिए कोई भी कहीं शादी कर सकता, कोई भी कहीं रिश्ता कर सकता। आज भी दूसरे पंचायत में आप जाकर के देख लीजिए, गद्दी पंचायत वगैरह, मैंने तहकीकात कर, मैं पूरी तहकीक के साथ बता रहा हूँ, गद्दी पंचायत वगैरह में आज भी है कि दूसरे बिरादरी में शादी नहीं कर सकता, फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्या ये इस्लाम? अगर उलमा से रब्त रहता और उलमा से ताल्लुक रहता, ये जहालत नहीं रहती, ये जहालत खत्म हो जाती। आज अपना रहबर लोगों ने बनाया है तो गैर उलमा को बनाया है, जाहिलों को बनाया है, उनका फैसला मानता है, उनका मशवरा मानता है, आलिम का मशवरा नहीं मानता है, आलिम की बात जो है नहीं मानता है, बल्कि अपना रहबर अगर किसी को तस्लीम करता है तो किसी ऐरे गैरे आदमी को अपना रहबर तस्लीम करता है, कुरान हदीस की बात करने वाले को अपना रहबर तस्लीम नहीं करता। कई पंचायतों में निकाह के मौके पर मेहर का मामला क्या है? मेहर का मामला यह है कि दोनों फरीक तय करेगा, लड़के वाले लड़की वाले दोनों फरीक तय करेंगे, आपस में जो तय हो जाएगा, कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो मेहर तय करेंगे, वो देना है। लेकिन बहुत सारे पंचायत में क्या है कि वो पंचायत तय करेगा 25,000, 50,000, 51,000 वगैरह वगैरह। अब लड़का दे सकता है फिर भी, नहीं दे सकता फिर भी। कई जगहों में मैंने निकाह पढ़ाया और जब सवाल किया तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। कई लोगों को बुला करके उसको मैंने खत्म करवाया और लड़का जितना देने की इस्तेआत रखता है उतना मेहर दिलवाया और मेहर दिलवा करके मैंने निकाह किया। ये जहालत की हद है, इतनी जहालत है। अभी चंद दिन पहले मैंने देखा एक मस्जिद में एक दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा था, पूरे शेरवानी लिबास में पहन करके अपने घर से निकला और निकल करके सबसे पहले मस्जिद गया और मस्जिद में वो नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने भी नहीं आ रहा था, ना रुकू ढंग से ना सजदा ढंग से, और कभी नमाज भी नहीं पढ़ता है, लेकिन वो नमाज पढ़ करके वो शादी करने के लिए जा रहा है। क्या है जहालत? नहीं तो क्या है? आज भी जहालत की इंतहा यह है कि आज भी गांव और देहात में अगर एक आदमी अपने घर से निकलता है और सामने से अगर बिल्ली गुजर जाती है तो कहता है कि मेरा रास्ता कट गया, मेरा जतरा खराब हो गया, आज का काम नहीं होने वाला, किन किन चीजों को मैं गिनाऊंगा। ये जहालत है और ये जहालत की इंतहा। तो ये दूसरी सबब है, ये जहालत। तीसरा है अकायद की कमजोरी। मुसलमानों की अकायद की इतनी कमजोरी है कि अकायद की कमजोरी की वजह से इंसान दीन से दूर हो गया। अकायद में बेशुमार कमजोरियां, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा, रसूल के बारे में क्या अकीदा, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा नहीं मालूम, किताबों के बारे में क्या अकीदा है, कैसे अकीदा रखना है नहीं मालूम, आखिरत के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए नहीं मालूम, तकदीर के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए नहीं मालूम, अल्लाह के ऊपर तवक्कल और भरोसा का मतलब क्या है नहीं मालूम। यानी अकीदा इतना कमजोर है कि अगर किसी के यहां कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई जिन्नात शैतान उसके ऊपर सवार हो गया और किसी ने कह दिया कि आपके ऊपर जादू कर दिया है, वो फौरन मजार के ऊपर चला जाता है। और मजार तो छोड़िए, वो तो गैर मुस्लिम पंडितों के पास चला जाता है झाड़ फूंक करने के लिए। ये मुसलमानों का अकीदा है कि अकायद की इतनी कमजोरियां हैं कि अकायद की इन कमजोरियों की वजह से दीन से मुसलमान दूर होते जा रहे हैं। चौथी चीज है मिशनरी स्कूल में जो तालीम है, जो हम और आप अपने बच्चों को देते हैं, हम सब मलवीस, हम भी मलवीस हैं, आप भी मलवीस हैं, बहुत सारे लोग मलवीस हैं इल्ला माशाल्लाह, सारे लोग मलवीस हैं। स्कूल में जो निसाब है हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम, इस मामले में हमें और आपको हसास होना होगा। स्कूल से बच्चे निकलते हैं मिशनरी स्कूल से और इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ करके निकलते हैं, घर में दीन की कोई तालीम नहीं, घर में कोई तरबियत नहीं, स्कूल से पढ़ करके निकले
उसके पास ना इस्लामी अकीदा है, ना उसके पास इस्लामी तरबियत है, कुछ नहीं। आगे चल करके पता चलता है कि वो मुर्तद हो गया, वो अल्लाह का इनकार कर रहा। इस मामले में हमें और आपको बहुत हसास होना पड़ेगा अपने लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में। पढ़ाइए पढ़ाइए, इसका कोई बदल तो है नहीं, मैं इसमें तो रुकावट डाल नहीं सकता। इसलिए कि आप कहेंगे कि इसका बदल क्या, हमें बताइए, मेरे पास तो बदल नहीं है, आप पढ़ाइए। लेकिन इसके साथ साथ आपको करना यह होगा कि आपको बहुत हसास होना होगा, आपको घर में इस्लामी और तालीम और इस्लामी तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करना होगा, इंतजाम करना होगा, अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाना होगा, हदीस भी पढ़ाना होगा, इस्लामी तालीम और तरबियत भी देना होगा, शिर्किया तालीम के बारे में आपको बताना होगा। अगर स्कूल में कोई गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में उसे बताना होगा, तालीम और तरबियत देना होगा कि वो शिर्क है, उससे बचना होगा, और जहां तक बच सकते हैं और जहां तक अपने दामन को बचा सकते हैं बचना होगा और बचाना होगा। इस तरीके से अपने बच्चों को नशोनुमा करना है और अपने बच्चों की परवरिश करना है और अपने बच्चों के मामले में हसास होना है। नहीं तो आज जो हालात हैं हम और आप देख रहे हैं, इर्तिदाद के वाकयात कितने पड़ रहे हैं, कितने लोग मुर्तद हो रहे हैं, हमारी लड़कियां भी और हमारे लड़के। नंबर 5, मीडिया का जो किरदार है, आज सोशल मीडिया है और टीवी वगैरह जो है, आप देखेंगे कि मीडिया जो है इस्लाम के बारे में किस कदर गलत फहमियां फैला रहे हैं। हमेशा इस्लाम को वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ये इस्लाम की दूरी का एक बहुत बड़ा सबब है। हमेशा वो जो है वो दोहरा चरित्र अपना रखता है और इस्लाम को हमेशा वो गलत तरीके से पेश करता है। कुछ जो है नाम निहाद मुसलमानों को ला करके टीवी में डिबेट में ला करके बिठाता है और इस्लाम के बारे में ऐसे शकूक और शुभहात के शोशे छोड़ते हैं कि लोगों को इस्लाम के बारे में शक हो जाता है। इसलिए इस्लाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में जानना ज़रूरी है और उलमा के सोहबत में, उलमाए हक के सोहबत में रहना बेहद ज़रूरी है। एक वजह यह है दीन से दूरी का कि लोगों ने इस्लाम को जागीर समझ करके रखा है। आम तौर पर मुसलमान समझते हैं कि हम कैसे जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में हम कैसे जाएंगे, हम तो मुसलमान, और हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी। लेकिन मेरे भाई, ये दीन से दूरी का एक बहुत बड़ा सबब है, एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने ये समझ करके रखा है कि हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ उसके तकाजे को पूरा करेगा, उसके जो शरायत हैं, उसके जो तकाजे हैं उसको पूरा करेगा, तब जा करके वो जन्नत में जाएगा। सिर्फ मुसलमान होना नाम का, मुसलमान के घराने में पैदा होना, ये जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर है, जन्नत की कुंजी ज़रूर है, लेकिन दंदान जो होते हैं चाबी में, दांत जो होते हैं वो उसके आमाल हैं। तो ईमान और आमाल सालिहा दो चीज़ें शर्त हैं जन्नत में जाने के लिए। दलील क्या है? सूरह बकरा की आयत नंबर 82 है, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون। कहा जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल सालेह किया तो ऐसे ही लोग जन्नत में जाएंगे और जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नत में जाने के लिए ईमान और अमल सालेह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, ईमान लाना है, ईमान के तकाजे को पूरे करने हैं और अमल सालेह करने हैं, तब जा करके हम और आप जन्नत में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। नंबर 7, दीन से दूरी का एक सबब यह है कि शैतान के नक्शे कदम पर चलना। अक्सर लोग शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं, जानते हैं कि फजूल खर्ची करना ये शैतान का काम है, लेकिन फिर भी वो शैतान वाला अमल करता है। गाना सुनना, ये जानते हैं ये शैतानी अमल है, फिर भी वो गाना सुनते हैं। बहुत सारी बुराइयां करना, शैतान क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बुराइयों को अच्छा बना करके दिखाता है। शैतान हमेशा इंसान को बुरे कामों को खूबसूरत बना करके दिखाता है। कुरान कहता है सूरह अनफाल आयत नंबर 48, वइज ज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम। शैतान का काम क्या है? किसी बुराई को खूबसूरत तरीके से बना करके पेश कर देना। अभी इंसान को अच्छा लगा, बस उसके ऊपर अमल करने लगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये शैतान को दुश्मन समझो, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।
तो ये शैतान जो है और शैतान का जो धोखा है ये दीन से दूरी का एक बहुत बड़ा सबब है। नंबर 8, दुनिया के मसाइब, दुनिया की परेशानी। होता क्या है, जब दुनिया की कोई परेशानी आती है तो इंसान के कदम यहां पर डगमगा जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के कदम डगमगा जाते हैं, और दीन से दूरी का ये एक अहम सबब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद सूरत हज, सूरतुल हज आयत नंबर 11 है, वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, बाज़ लोग ऐसे हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो तन्हा इबादत करते हैं, किनारे खड़े होकर के इबादत करते हैं, और जब उनके पास मुसीबत आती है, परेशानी आती है, फइन असाबहु खैर नितमअन्न बिही, जब उनके पास खैर, जब उनके पास भलाई आती है, अच्छाई आती है, तो बहुत अच्छा है, खुश हो जाता है। वइन असाबतहु फितनतु निनकलब अला वजही खसिरत दुनिया वल आखिरा, और जब उनके पास परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो फिर उसके कदम डगमगा जाते हैं। तो जब उनके पास अच्छाई आती है तब तक वो अल्लाह की इबादत खूब दिल से करते हैं, जब खुशहाली आती है तो अल्लाह की इबादत खूब मन लगा करके करते हैं, और जब उनके पास परेशानी आ जाती है तो अल्लाह की इबादत छोड़ देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करना छोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया खसीरत दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में खसारा है, ज़ालिका हुवल खुसरान मुबीन, और ये जो है खुली हुई गुमराही है, और ये खुला हुआ घाटा और खुला हुआ नुकसान है। नंबर 9, नफ्स का फितना। इंसान का नफ्स राहत और लज्जत चाहता है, इंसान का नफ्स चाहता है कि मैं राहत में रहूँ, आराम में रहूँ, और सुकून में रहूँ, चैन में रहूँ, बहुत सारी चीज़ों को चाहता है, जिसकी वजह से उसके नफ्स को आराम पहुँचे, उनकी ज़ात को आराम पहुँचे, और अपने नफ्स को आराम पहुँचाने के लिए कभी कभी वो हदूद को छलांग मार देता है, और हलाल से वो हराम तक चला जाता है, हलाल से वो हराम तक चला जाता है, जायज़ से वो नाजायज़ तक चला जाता है, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान तमीज़ करना बंद कर देता है, हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ करना छोड़ देता है। तो नफ्स को आराम पहुंचाने के लिए इंसान जो है अल्लाह के हुदूद को छोड़ देता है, इस्लाम के जो बाउंड्री है, इस्लाम की जो बाउंड्री है, इस्लाम ने जो हुदूद बतलाए हैं, उस हुदूद से वो छलांग लगा देता है, और वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता है, और अपने नफ्स को आराम पहुंचाने के लिए, अपनी ज़ात को आराम पहुंचाने के लिए, अपने आप को लज्जत पहुंचाने के लिए, अपने आप को राहत महसूस करने के लिए वो गलत काम भी कर डालता है। कुरान कहता है सूरह यूसुफ आयत नंबर 53, इन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, ये नफ्स अम्मारा जो है ये हमेशा बुराइयों पर उभारता है, ये नफ्स अम्मारा बुराइयों पर हमेशा उभारता है। इंसान को अपना नफ्स कंट्रोल करना होगा, अपने जज्बात को कंट्रोल करना होगा, सिर्फ आराम ही आराम नहीं देखना है, राहत ही राहत नहीं देखना है, कहीं तकलीफ बर्दाश्त करनी है, कहीं परेशानी बर्दाश्त करनी है, कहीं मुसीबत आए तो मुसीबत को बर्दाश्त करनी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है। नंबर 10, मसलक परस्ती। आज दीन से दूरी का जो सबब है उसमें से एक सबब यह है कि लोग मसलक में पड़ चुके हैं। भाई इस पर आप अमल क्यों करते हो, मेरे मसलक के अंदर ऐसा है, आप इस पर अमल क्यों करते हो, मेरे मसलक के अंदर ऐसा है, अलग अलग मसलक में, अलग अलग ग्रुप में लोग बढ़ चुके हैं। ये गुमराही की बहुत बड़ी दलील है, और ये दीन से दूरी का एक बहुत बड़ा सबब है, मसलक परस्ती, यानी अलग अलग मसलक में बढ़ जाना। जबकि कुरान में और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस को लाजिम पकड़ने का हमें और आपको हुक्म दिया, ये नहीं कहा कि किसी मसलक पर चलो, हमें कहा कि कुरान और हदीस को वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी क्या है, कुरान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो ये एक बुनियादी वजह है, ये 10 अहम असबाब थे जिसे मैं आपके सामने रखने की कोशिश की कि दीन से दूरी के ये असबाब हैं, तो इन असबाब के ऊपर हमें और आपको गौर करने होंगे। इलाज के तौर पर इसके कुछ इलाज हैं, इलाज के ताल्लुक से चंद बातें आपकी खिदमत में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला इलाज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम और आप दुआ करें, हम और आप ये दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन तिर्मिज़ी के हवाले से, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे
या مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك या مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ دلوں کو پھیرتا ہے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین کی اوپر ثابت قدم کر دے دین سے آج لوگ بہت دور ہیں دین سے اکثر لوگ ہٹ چکے ہیں ان ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں کہیں کہیں فتنے میں ہم اور آپ بھی پڑ جاتے ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں ان حالات میں ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علاج کے طور پر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس فتنے کے دور میں تو ہمیں اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ اور دین کے اوپر ہمیں چلا دے مکمل دین کے اوپر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں یہ دعا کیجیے دوسرا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں قرآن کی اور بھی دعائیں ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہمارے دل کو جو ہے کجی سے بچا لے ٹیڑھے پن سے بچا لے ہدایت دینے کے بعد اور تو ہمیں اپنے رحمت سے نواز دے تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین بہت بڑا اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ بری صحبت سے اجتناب آپ دین پر چل رہے ہیں شریعت پر چل رہے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی دوستی کس سے ہے آپ کی صحبت کس سے ہے کیسے لوگوں سے آپ کا تعلق ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھے لوگوں سے دوستی کریں نیک لوگوں سے دوستی کریں برے لوگوں سے دوستی نہ کریں اور اس تعلق سے ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے حوالے سے اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا تمہارا دوست مومن ہی ہونا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے تمہارا جگری دوست مومن ہونا چاہیے مومن سے دوستی کرو سچے مسلمان سے دوستی کرو سچے لوگوں سے دوستی کرو نیک لوگوں سے دوستی کرو برے لوگوں کی صحبت میں نہ رہو برے لوگوں کے سے دوستی نہ کرو ولا یاکل الطعام الا تقی اور تمہارا کھانا بھی اگر کوئی کھاتا ہے تو نیک لوگوں کو کھلاؤ متقی لوگوں کو کھلاؤ اچھے لوگوں کو کھلاؤ فائدہ کیا ہوگا جب نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں گے آپ کو دعا دے گا آپ کے لیے دعا کرے گا آپ کی تجارت کے لیے دعا کرے گا آپ کی صحت کے لیے دعا کرے گا آپ کے مال کے لیے دعا کرے گا آپ کی اولاد کے لیے دعا کرے گا آپ کو اچھی دعاؤں سے نوازے گا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست اچھا بناؤ مسلمان کو بناؤ مومن کو بناؤ اور کھانا بھی کھلاؤ تو نیک لوگوں کو کھلاؤ ایسے سبھی ضرورت مندوں کو کھلا سکتے ہو لیکن جو متقی ہو پرہیزگار ہو ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ تاکہ وہ تمہیں اچھی اچھی دعائیں دیں نمبر تین علاج کے طور پر حصول علم ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا کوئی ضروری نہیں کہ آپ علامہ اور فہامہ بن جائیے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے توحید ہے نماز ہے طہارت ہے قرآن اور حدیث کی جو بنیادی چیزیں ہیں منہج سلف ہے تو ان چیزوں کا جاننا اور ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں اپنے مطلب سے نہیں علماء کی سرپرستی میں کہیں پر پھنستے ہیں تو اپنے مطلب سے نہیں سمجھیں گے بلکہ اہل علم سے اس کو سمجھیں گے اور علماء کی سرپرستی میں علماء کی رہنمائی میں ہم اس کو قرآن کو سمجھیں گے حدیث کو سمجھیں گے اور اپنے اندر جو ہے اسلام کی بنیادی چیزوں کو لانے کی کوشش کریں گے اور علم حاصل کریں گے تاکہ دین سے جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائے اسی طریقے سے ہم اور آپ موت کو یاد کریں گے موت کو یاد کرنے سے آخرت یاد آتی ہے انسان دین سے جڑتا ہے شریعت سے جڑتا ہے علماء سے ربط اس کا ہوتا ہے اچھے لوگوں سے اس کا تعلقات ہوتا ہے آخرت کو یاد کرتا ہے اور نمبر پانچوں علاج کے طور پر نفس کا محاسبہ ہمیشہ ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں اپنے نفس کا محاسبہ کریں آج پورا دن ہمارا اور آپ کا گزرا شام کو ایک مرتبہ ہر روز ہر دن ہم اور آپ شام کو ایک مرتبہ سوتے وقت کم سے کم محاسبہ کریں کہ آج کا دن جو ہمارا گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے کسی کو تکلیف تو نہیں دیا ہے کسی کو اذیت تو نہیں دیا ہے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں کتنی برائیاں ہم نے کی ہے ہو سکے کل ہماری زندگی نہ رہے آج ہم ہیں شام کو انتقال ہو جائے کل انتقال ہو جائے کل اس دنیا میں ہم اور آپ نہ رہیں اللہ کے پیارے ہو جائیں کون جانتا ہے
इसलिए हर दिन इंसान को मुहासबा करना चाहिए, और अगर अपनी गलतियों का एहसास हो तो हर दिन हमें और आपको तौबा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मर्तबा नहीं, 70-70 मर्तबा और 100-100 मर्तबा दिन भर तौबा करते थे। हम और आप भी अपने आप का मुहासबा करें, और हर दिन मुहासबा करके अपने आप का मुहासबा करके, और उसके बाद जो है अपने गलतियों से माफ़ी मांगें, और जो नेकियां हमने की हैं उन नेकियों के बारे में अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह हमारी उन नेकियों को कबूल फरमा ले। और साथ ही साथ ये भी दुआ करें कि मौलाए करीम जो समाज के अंदर, माशरे के अंदर दीन से जो दूरियां हैं और लोग जो दीन से बिल्कुल दूर हैं, बहुत सारी बुराइयों में मुलव्वस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए और सबको दीन से जोड़ दे, इस्लाम से जोड़ दे, शरीयत से जोड़ दे, मस्जिद से जोड़ दे, नेक लोगों से जोड़ दे, उलमा से जोड़ दे, और सब लोगों की ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सब लोगों को ईमान और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और मुकम्मल तौर पर हमें और आपको इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।